वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। आज की हम ये वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए बना रहे हैं। सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन टॉप फंक्शन वाली, डिजिटल फंक्शन वाली मशीन के लिए हम वीडियो बना रही है। और टोटल हमारी तीनों मॉडल है, न्यू अपग्रेड मॉडल है, जो आपको ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है कोई मार्केट के अंदर। ये मॉडल डिजिटल फंक्शन वाली मशीन, हम इसकी आपको टोटल डिटेल देंगे। अगर आप सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदना चाहते हैं या सॉफ्टी आइसक्रीम बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको वीडियो में हर एकदम जानकारी नॉलेज देंगे। कैसे फ्लेवर बनाना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या मार्केट में मशीन मिलते हैं उसमें क्या फंक्शन है, और हमारी मशीन में क्या एडिशनल फंक्शन है, क्या हम सिस्टम एडिशनल देते हैं, इसकी हम पूरी नॉलेज और जानकारी आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे आपकी। तो आप ये वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि मार्केट में क्या है, लो क्वालिटी की मशीन देती है, 70,000-80,000 की मशीन को कस्टमर को 1,20,000-1,30,000 में देते हैं, लेकिन फंक्शन उसमें कोई नहीं रहता है, जीरो फंक्शन रहता है। चाइनीज कंप्रेसर लगा रहता है, लो क्वालिटी का एयरपंप लगा रहता है, हर एक फंक्शन लो क्वालिटी के लगे रहते हैं और कस्टमर को हाई रेट देना पड़ता है उसका। तो ये वीडियो देखने से आपके पास पूरा नॉलेज आ जाएगा कि कैसे मशीन परचेस करनी है, क्या क्या फंक्शन उसके अंदर होने चाहिए, क्या क्या फंक्शन जरूरी है आइसक्रीम मशीन लगाने के लिए, क्या क्या फंक्शन जरूरी है, वो आपको जानकारी बताएंगे। हमारे पास अभी अवेलेबल में ये तीनों न्यू मॉडल है, जो हमने अभी 3 दिन पहले इसको मार्केट में लॉन्च किया है, और हम इसकी वीडियो इसलिए आपको मार्केट में रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली मशीन है ये प्रीमियम मॉडल है, ये मॉडल पड़ा है, ये प्रीमियम मॉडल है। इसके अंदर हमने हर एक मॉडल का अलग अलग मॉडल नंबर है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा रहता है। तो ये प्रीमियम मॉडल है, ये वाली मशीन है ये प्रीमियम प्लस है, ये मशीन प्रीमियम प्लस है, इसका भी मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है। और ये तीसरी मशीन है प्लेटिनियम मॉडल, प्लेटिनियम मॉडल उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर हर एक फंक्शन अवेलेबल रहते हैं। जैसे 7 स्टार आप बोलो तो 7 स्टार भी इसको बोल सकते हो, इसलिए प्लेटिनियम मॉडल है। जैसे कि आप ब्रांड कंपनी है, जैसे कि टेलर ब्रांड है या डेरी डेन है या डेनफोर्स्ट है, इसी ब्रांड की, इंटरनेशनल ब्रांड की अगर मशीन आप परचेस करते हो, तो जिसकी रेंज चली जाती है 7 लैक्स, 8 लैक्स, 10 लैक्स, इसी रेंज के अंदर मशीनें मिलती है। वही मशीन आपको वही फंक्शन, वही सिस्टम, वही हर एक चीज़, वही हम आपको लो रेंज के अंदर अप्रोक्स करके देंगे इसको। हम हर एक मशीन, हमने तीनों मशीन को ओपन कर दिया, इसका बॉक्स आपको बताया था, इसका ओपन कर रहे हैं, इसलिए हमने तीनों मशीन को ओपन कर दिया। अभी वन बाय वन आप मशीन को इसको ऑपरेट करने के बाद बताएंगे आपको। वैसे कंप्लीट मशीन तो वैसे इंस्टॉलेशन वाली आती है, आप अंदर का भी पैकिंग देखिए इसका, इनसाइड का भी ये सब पैकिंग देखिए इसका, बेस्ट क्वालिटी पैकिंग है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी लोकेशन पे आपको चाहिए, सेम पैकिंग में आपको डोर डिलीवरी बेस्ट कंडीशन से मिल जाएगा आपको। मशीन के साथ आपको इसका अटैचमेंट भी हम देंगे, एक बॉक्स आएगा मशीन के अंदर आपको इसका, जिसके अंदर इसका ओरिंग है, वाइसर है, ऐसा सब किट इसके अंदर लगा देता है। आप देख सकते हो पूरा, ये देखिए पूरा, ये ओरिंग है, वाइसर है, ये सब चीज उसके अंदर स्पेयर किट है। इमरजेंसी में कोई फॉल्ट आता है तो आप इसको स्पेयर किट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बाद में इसका एक मैनुअल किट है इसका, ये किट के अंदर आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। आप उसको ओपन करके हर एक जानकारी, हर एक फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, ये सब इसके अंदर डायरी में सब लिखा रहता है। तो आप ये बुक के जरिए कोई भी अगर फ्यूचर में कोई फॉल्ट या कोई दिक्कत आती है, हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे से वीडियो कॉलिंग करके आप डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको आपके पास इजीली इंस्टेंट बुक पड़ा है तो आप उसको ऑपरेट करके भी इसको देख सकते हो हर एक जानकारी। ये स्टार्ट कर दिया हमने अभी इसको फिट करने के लिए, ठीक है। ये वाली मशीन में हमने यहाँ पे कॉन होल्डर में कॉन लगा दिए, आप देख सकते हो ये कॉन होल्डर में कॉन लग चुका है, आप देखिए, ये देखिए, अब जितना जरूरत है उतना कॉन होल्डर निकाल सकते हैं अंदर से, जो भी आपको रिक्वायर्ड रहता है। अगर कोई ज्यादा निकल गया तो आप उसको पुश करके वापिस डाल सकते हो, ये पुश करके वापिस एंटर हो चुका है। अगर फोन ज्यादा निकल जाते तो ऐसे आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और उसको कैसे फिट करते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसका ये यहाँ पे लॉक बटन है, लॉक बटन से ओपन हो जाएगा, जितना भी फोन ऑर्डर डालना है आप इसमें पूरा वन रोल, वन पूरा पिंच, पूरा 15-20 फोन का भी एक साथ डाल सकते हैं इसके अंदर।
किया इसमें प्रमोटर ने, दूसरे वाले में भी लगा रहे हम। निकलता हुआ हैंडल है इसका, लग गया पूरा, देख सकते हैं। हैंडल भी इसका ऑटो पुशेबल है, आपको ऐसे निकालने के बाद छोड़ देना है, आपको ऊपर ऐसे अपने 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 हाथ से इसको पुश नहीं करना है, कोई भी आप निकालेंगे ऑटो रूमल से। देखिए जैसे आपने आइसक्रीम निकाला, फोन दे के सीधा दे सकते हैं इसको, रिटर्न करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, लग से कि रिटर्न करना है, ऑपरेट करना है, क्या करना है वो आपको नहीं करना है। अभी हमने इसका साइड डोर ओपन किया, आपको इसमें कंप्रेसर कौन सी कंपनी का है, कैसा कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इसका सिस्टम है पूरा हम आपको बताएंगे। इसको पूरा ओपन किया हमने साइड बॉडी, अपने बाकी सब मशीनों के भी साइड लुक देखा होगा, इसका भी आप साइड लुक देखिए। यहाँ पे जो कंप्रेसर लगाया है एक टेकमसा कंपनी का कंप्रेसर है, जो इंटरनेशनल कूलिंग कंप्रेसर की कंपनी है टेकमसा करके। अब देखिए यहाँ पे पूरा ये कंप्रेसर है टेकमसा कंपनी का है और हार्मेटिक है, रोटरी नहीं है। बाकी सब मशीनों में बोतल टाइप कंप्रेसर रहता है, रोटरी जो एयर कंडीशन में लगता है, जो एसी रहता है उसमें रोटरी कंप्रेसर लगता है, जो ओनली ठंडा पवन देने के लिए, ठंडा एयर देने के लिए काम करता है। और ये हार्मेटिक कंप्रेसर है वो आइस बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए काम करता है। यहाँ पे छोटा कंप्रेसर है, बड़ा कंप्रेसर है। ये छोटे कंप्रेसर का फैन मोटर है डिजिटल टाइप का, आप देखिए पूरे, और ये बड़े कंप्रेसर का यहाँ पे फैन लगाया हुआ है। यहाँ पे इसका हैवी ड्यूटी मोटर दिया गया है, ये पूरा इसका सिस्टम दिया गया है आइसक्रीम का, आप देखिए पूरा जो डिस्प्ले में डिजिटल फंक्शन ऑपरेट करता है इसका पूरा फंक्शन दिया गया है यहाँ पे। ये इसका गेयरबॉक्स है, यहाँ पे गेयरबॉक्स है दिखा रहा है, ये बेल्ट सिस्टम है, डबल बेल्ट सिस्टम है। अगर बेल्ट आपको कम ज्यादा भी करना है तो इससे आप उसको सेटिंग कर सकते हो मोटर के हिसाब से। ये ओल्ड साइड इनसाइड का फंक्शन है, दोनों साइड ये प्रीकूलिंग है, जहां पे मटेरियल डालते हो वो ठंडा होता है, चिल्ड होता है, प्रीकूलिंग सिस्टम है। ये वाला है जिसके अंदर आइसक्रीम बनता है वो फंक्शन है। ये बाउल के अंदर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे भी इसका कितना भरा हुआ है सब ग्रेनेड दिया गया है, आपका मटेरियल कितना भरा है यहाँ से आपको शो करेगा, दिखेगा इसके अंदर। और इसमें कोई डस्ट नहीं जाएगा इसका, आप ढक्कन देख सकते हो यहाँ से पूरा फिट हो जाएगा इसे। ये देखिए पूरा ढक्कन का ग्रिप देखिए यहाँ पे आप, ये पूरा लॉक हो जाएगा, हिलन चिलन कूद नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, लॉक हो जाएगा पूरा, कोई डस्ट या कोई भी। ये इसका दूसरी साइड का ओपन है, ओपन करके हम दिखा रहे हैं आपको इसका, आप देख सकते हो पूरा बफिंग सिस्टम, यहाँ पे गियरबॉक्स सिस्टम है, कंडेंसर है, कंडेंसर सिस्टम है पूरा, आप पूरा देख सकते हो उसको। तो पूरा क्वालिटी उसका कंस्ट्रक्शन देखिए, पूरा एंगल के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज पूरा स्टील बॉडी के अंदर फैब्रिकेशन किया गया था। अभी हम इसको थोड़ा वॉशिंग कर देंगे नॉर्मल पानी से, मटेरियल लगाने से पहले थोड़ा वॉश कर देंगे इसमें सादे पानी से, ये नॉर्मल वाटर है हमारे पास। अभी हमने इसमें पानी डाल दिया नॉर्मल वॉशिंग के लिए, यहाँ पे बटन है क्लीन करके, एक क्लीन का बटन दबाएंगे, क्लीन का बटन दबा दिया हमने इसमें, आप डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे हर एक फंक्शन आपको शो करेगा इसके अंदर, आपने कितना कौन निकाला है, कितना टेम्परेचर है, आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, अभी बाहर का वो बताएंगे। एक क्लीन हो रहा है उसका ऑप्शन बता रहा है, पावर कितना ऊपर से आ रहा है वो बता रहे हैं आपको, पावर रेटियो क्या है वो सब बताएंगे आपको इसके अंदर हर एक फंक्शन में सब बताएंगे। और यहाँ पे देखिए पानी डाला है हमने वॉशिंग के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्री कूलिंग चालू हो गया है, ठंडा होना चालू हो गया। अब देखिए ये देखिए ऊपर का जो स्मॉल कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली ठंडा होने के लिए। अभी इसमें से हम पानी निकाल देंगे, जो पानी हमने रिफिल किया वो पानी निकाल देंगे।
पूरा पानी निकाल दिया है, फिर टीवी का बटन बंद कर देंगे स्टॉप करने के इसको भी। अभी इसके लिए अभी हम मटेरियल बनाएंगे, इसका मिल्क का जो मटेरियल देखते हैं बनाएंगे इसके लिए। अभी हम इसका फ्लेवर्स बना रहे हैं, जो आइसक्रीम है उसका फ्लेवर्स बना रहे हैं। ये बायोफ्लेक्स कंपनी का, डवर्स कंपनी का फ्लेवर्स है, जो IFSSI सर्टिफाइड फ्लेवर है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, दूसरा पैकेट है वेनिला है। आज स्ट्रॉबेरी और वेनिला बनाएंगे। ये 1 किलो का मटेरियल है, 1 kg का पैकेट है। इसके अंदर आपको एक पैकेट के अंदर 4 लीटर मिल्क बनाना है, 4 लीटर एक पैकेट के अंदर। अभी हम इसका फ्लेवर बना रहे हैं, और ये अमूल कंपनी का मिल्क है, गोल्ड, अमूल गोल्ड, जो बेटर क्वालिटी का मिल्क रहता है, फुल क्रीम रहता है, जिससे अपना आइसक्रीम का क्वालिटी का टेस्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। हम इसका आज आपको बना बताएंगे कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसको हम मिक्सिंग करेंगे। ये फ्लेवर मिक्स करने के लिए ब्लेंडर है, जो हम हरेक मशीन के साथ फ्री में देते हैं। हरेक मशीन के साथ ये ब्लेंडर हम फ्री में देते हैं कस्टमर को। ये इसका ब्लेंडर है, आपको ये अलग से लेने का जरूरत नहीं है, मशीन के साथ हम फ्री में देते हैं। इसमें ब्लेंडर रहता है, फिर इसका ये मिक्सचर रहता है, जिसके अंदर आपको फ्रूट क्रशिंग करना है, फ्रूट को क्रश करना है कोई भी, तो इसमें आप फ्रूट क्रश कर सकते हो। इसके अंदर बाउल है, इसके अंदर आप थिक शेक बनाना है आपको, तो थिक शेक बना सकते हो। आइसक्रीम निकाल के उसको ब्लेंडर बना के उसको थिक शेक दे सकते हो, मिल्क शेक दे सकते हो कस्टमर को। अभी हम फ्लेवर मिक्सर करने के लिए हमारा स्पेशल जो किट रहता है फ्लेवर मिक्सचर का, वो किट लगाएंगे इसके अंदर हम। इसका किट है, एक किट लग गया इसका। इसके अंदर इसका एक ग्रिप रहता है, जो फैट वाली चीज बनाना है इससे इससे ये टूल से वो चीज बनेगी, जो फैटी आपको चीज बनाना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा वॉश कर देंगे, इसको वॉश कर देंगे। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, इसको मिक्स कर देंगे हम अपने। मिक्स हो चुका है, अभी थोड़ा वॉश कर देंगे। अभी ये वेनिला फ्लेवर है, उसको मिक्स कर देंगे। ये भी मिक्स हो चुका है अभी। अभी इसमें थोड़ा फिल कर देंगे अपने मटेरियल को। Thank you.
मशीन को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कूल का बटन करके दिया गया ऑप्शन, जो जिससे कंप्रेसर स्टार्ट होएगा। यहाँ पे कूल का बटन दिया गया है जिससे ऑपरेट करने से कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कूल काम बटन दबा देंगे इसका। अभी ये मशीन रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 96% आज तक रेडी हो चुका है। यहाँ डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कितना परसेंट रेडी हुआ है। अभी ये 96% हुआ है रेडी। 100% आएगा तब मशीन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। और कौन यहाँ पे 23 कौन निकाले गए है। टेम्परेचर 17 का टेम्परेचर है, ऊपर का टेम्परेचर 09 का है, जो बाउल का टेम्परेचर है। कूल का बटन कंप्रेसर चालू है, वोल्टेज कितना पावर आ रहा है ऊपर से दिखा रहा है इसके अंदर। 97% रेटियो है, कितना अभी आइसक्रीम बना है वो दिखा रहा है इसके अंदर। और हमने यहाँ पे तीनों अलग अलग शेप लगाए हुए हैं, तीनों अलग अलग डिजाइन है इसकी आइसक्रीम की, कोई एक डिजाइन नहीं है, तीनों अलग अलग डिजाइन रखी हुई है इसकी, ठीक है। सबसे पहले अपने निकालेंगे स्ट्रॉबेरी। हार्ट शेप में निकाला है, दिल शेप में, हार्ट शेप के अंदर ये आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की आइसक्रीम की क्वालिटी। आप इसका स्मूथनेस देख सकते हो, इसका क्वालिटी आपको दिखाएंगे। स्मूथ क्वालिटी देखिए आप इसका, 0% आइस है इसके अंदर, टोटली क्रीमी मटेरियल है इसका। अभी इसमें से दूसरा निकालेंगे, मिक्स में निकालेंगे, मिक्स डिजाइन देखिए इसका, देखिए इसका डिजाइन देखिए, डिफरेंट डिजाइन है। अभी तीसरा निकालेंगे हम, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। आप पूरा सिस्टम देखिए, अभी हमने 3-4 कप निकाले, ओनली 10% लेस हुआ, 10% लेस हो गया है। तो पूरी मशीन देख सकते हो पूरा। अभी इसका डिटेल हमने दे दिया, अभी हम आपको ये मशीन की जानकारी देंगे, जो हमारी टॉप मॉडल है, प्लेटिनम मॉडल है, जिसके अंदर टॉपिंग सिस्टम है, रैम्बो सिस्टम लगाया हुआ है, और प्लस 7 इंच का टच डिस्प्ले है, 7 इंच की डिस्प्ले दी हुई है इसकी। हम आपको इसकी जानकारी देंगे, ऑपरेट करके बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें से हम मिक्स फ्लेवर निकालेंगे, स्ट्रॉबेरी और वेनिला की दोनों फ्लेवर निकालेंगे। देखिए स्ट्रॉबेरी वेनिला दोनों मिक्स फ्लेवर है इसकी, आप देख सकते हो पूरा है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है पूरा, जरा भी आइस नहीं रहेगा, 0% आइस है इसके अंदर। और इसका हम डिस्प्ले का आपको थोड़ा फंक्शन बताएंगे आपको। यहाँ पे इसमें डिस्प्ले पे सब फंक्शन दिए गए, आप देखिए, वॉशिंग करना है तो वॉश का है, फ्रीज करना है तो फ्रीज का है, कीप फ्रेश मतलब प्री कूलिंग ओनली रखना है, स्टैंड बाय रखना है तो आप ये बटन दबा सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको ज्यादा जानकारी लेनी है, डिटेल्स तो यहाँ से आप ले सकते हो।
सेटिंग कैसे करना है, डेली मेंटेनेंस कैसे करना है, आइसक्रीम मेकिंग कैसे करना है, ठीक है, ये सब जानकारी आपको मिलता रहेगा इसके अंदर से। इसमें जाने के लिए आपको मिक्स इंग्रेडिएंट फ्लेवर को कैसे बनाना है, कैसे आइसक्रीम का रेसिपी बनाना है, इससे आप इसके अंदर जाके सब फॉर्मूला बताएंगे कि इसका कैसे आइसक्रीम बनाना है। गेट वन टू रेडी फॉर 1 किलो आइसक्रीम पाउडर एंड गेट रेडी 2.5-3 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, ये सबका पूरा सिस्टम इसके अंदर जैसे बनाना है। देखो इसके अंदर पूरा रेसिपी है इसका बनाने के लिए, ये देखिए पूरा। और हर एक फंक्शन इसको बेक जाने के लिए ऑप्शन है बेक का, सेल आइसक्रीम, मेक एंड सेल आइसक्रीम, ये सब जानकारी इसमें आप अंदर डिस्प्ले में जाके भी हर एक जानकारी इसकी ले सकते हो कि क्या वो सिस्टम है इसका, कैसे ऑपरेट होता है, हर एक जानकारी इसके अंदर आप ले सकते हो। दूसरा परसेंट है, आप सेटिंग के बटन में भी जाके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। इसमें यहाँ पे पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आप अपने हाथ से खुद से सेट कर पाएंगे। इसमें ये पासवर्ड हम आपको देंगे, क्या पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड से आप सेटिंग के अंदर जाके उसको सेट कर सकते हो, कैसे सेट करना है आपको। यहाँ पे इसका टॉपिंग्स का है, जो भी आपको टॉपिंग्स लगानी है ये बाउल के अंदर आप टॉपिंग्स डाल सकते हो। यहाँ पे ये दोनों बाउल दिए गए इसके, जैसे मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, अलग अलग आप टॉपिंग्स इसके अंदर बाउल में डाल के इसको फिल कर सकते हो उसको। तो हमने आपको आज जो जानकारी बताई है तीनों मॉडल की, आपको प्रीमियम मॉडल है, प्रीमियम मॉडल है, प्रीमियम प्लस मॉडल है और प्लेटिनियम मॉडल है, ये तीनों मशीन की हमने आपको जानकारी डिटेल्स हर एक चीज बताई है हमने आपको। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी डायरेक्ट कंपनी के फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282। वहाँ पर आपको प्राइसिंग और हर एक जानकारी और डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज़ नई नई प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।